प्रबलिका आत्महत्या राजकीय एसीसी अधिकार प्रतिनिधि जोली शर्मा मैडम से रिगार्डिंग प्रबलिका प्रवलिका के घर में गई थी उसके माँ बाप से मैं मिली उसके पेरेंट्स से मैं मिली उसके माँ बाप बहुत दुखी हैं परेशान हैं रो रहे हैं तड़प रहे हैं क्योंकि उसकी माँ ने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी के दुख से नहीं उभर पाई थी हम गांव में रहते हैं उसके बाद इन्होंने मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाई उसके मरने के बाद उसके जाने के बाद गांव के लोग हमें कह रहे हैं कि अगर तुमने शहर ना भेजा होता तो आज प्रवलिका जिंदा होती तो क्या तेलंगाना की लड़कियों का भविष्य नहीं है क्या तेलंगाना की लड़कियाँ कुछ बन नहीं सकती आज लड़कियाँ हवाई जहाज़ चला रही हैं साइंटिस्ट बन रही हैं प्रधानमंत्री बन रही हैं और क्या तेलंगाना की बेटियों का गाँव से निकलने का हक नहीं है कुछ बनने का हक़ नहीं है ये किस तरीके की भावनाएँ के ने पैदा की हत्या की है के ने हत्या की है बार-बार एग्जाम पोस्टपोन करा कर कैंसिल करा कर पेपर लीक करा कर हत्या है ये ये हत्या है प्रवलिका की और प्रवलिका जैसे ना जाने कितने यूथ जो डिप्रेशन का शिकार है बार-बार और डंडे और लाठियां बरसाते हैं ये यूथ पर क्यों ताकि वो अपने प्रवलिका जो उनकी साथी थी उसका हक मांग रहे थे वो मांग रहे थे कि आप बार-बार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सक, कर सकते बट जी के जी कविता का कुत्ता मरता है तो आप वेटररी डॉक्टर सस्पेंड करते और तेलंगाना की बेटी मरती है तो आप उसका कैरेक्टर असैसीनेट कराते हैं अपने पुलिस से हाउ डेर यू हाउ डेयर तेलंगाना पुलिस कैन असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल दे कैन नॉट डू इट वी आर स्टैंडिंग विद प्रबलिका एंड हर फैमिली एंड फॉर दैट मैटर ईच वन ऑफ तेलंगाना वी आर स्टैंडिंग विद एंड एवरी वूमन ऑफ दिस कंट्री कांग्रेस पार्टी स्टैंड बाय यू कैन नॉट असैसीनेट द कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल One more crucial thing is there, Minister uh, KTR is saying that she didn't write any competitive exams, group 1 also. He's a liar. KTR is a liar. Yesterday I did a press conference at Gandhi Bhavan. I have shown all the hall tickets to the entire media. And his, his lie is out. Out in, in front of Telangana's people. Now people of Telangana knows how, what a big liar KTR is. Finally what you are saying uh, are, regarding are asking, Telangana students. We are asking for justice for Pravalika compensation to the family job for the brother and we are standing with the youth of telangana rahul gandhi is committed to lakh jobs to the youth of uh, telangana and also we will fight with them for their justice they cannot cancel the exams like that they cannot postpone the exams and like that they cannot play with the future of youth of the telangana thank, thank you, thank you. Thank you. విద్యార్థులు మరొకళ్ళు బలి కావడానికి వీల్లేదు ఒక పక్కా ప్రణాళికతో రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకొస్తుంది అట్లాగే ప్ర కుటుంబానికి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తగు న్యాయం చేయాలి అనే అంశాన్ని కూడా ఏఐసి స్పోక్స్ పర్సన్ డోలీ శర్మ చెప్పుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది కెమెరా పర్సన్ రాజాతో హరికృష్ణ వనిడియా తెలుగు హైదరాబాద్